अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक और व्लॉग के साथ हम यहाँ हाजिर हैं। जैसे कि हमारा जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमारे साथ क्या क्या हुआ हमने वो दिखाया, पाकिस्तान में कैसे आया, अब मैं पाकिस्तान से वापस क्यों जा रहा हूँ ये भी आपको पता है क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी लेनी है। उस चक्कर में दोबारा से हमने वीज़ा लगवाया, गाड़ी के जो भी पुर्जे थे वो हमने दोबारा से यहाँ रिपेयर करवाए और वो भी जो है हमारे साथ जा रहे हैं। और फिर वहाँ जाकर क्या होगा, पहले मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन दे दूँ क्योंकि बहुत से लोग जब भी ट्रैवलिंग करते हैं तो वो परेशान होते हैं कि बॉर्डर क्रॉसिंग में उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स पहले भी बनाए और अब भी बना रहे हैं। यहाँ डे टू डे जो है यहाँ बहुत सारी तरक्की होती जा रही है और वक्त के साथ साथ यहाँ बहुत सारी चेंजिंग भी होती जा रही हैं। लोगों का रश तो बढ़ता जा रहा है और लोगों को हम गाइड करने के लिए मुसलसल यहाँ की अपडेट देते रहते हैं। और अल मुमताज़ वालों ने यह बड़ा काम किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी किया, लोगों की फैसिलिटेशन के लिए जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी हैं और दे रहे हैं। शॉप्स यहाँ खुल गई हैं, होटल है यहाँ पर, यहाँ पे बकायदा इनका एक आउटलेट है जो अभी वन एंड ओनली है इस बॉर्डर पर, और भी अदर कंपनीज़ जो हैं वो सिर्फ आती हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ छोड़कर गाड़ी में उतार के यानी कि वापस चले जाते हैं, जैसे कि अल अब्बास वाले हैं और भी इस तरह के जो आते हैं। पर ये जो टर्मिनल है ये ज़ाती अल मुमताज़ ट्रांसपोर्ट वालों का है, जो एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है हमेशा से कि वो यहाँ के कस्टमर्स के लिए या आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए जो मुसाफिर हैं, ज़ायरीन हैं, उनके लिए वो बहुत सारी सहूलतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा रहे हैं। या मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैवलिंग अलर्ट ये है आपके लिए कि अब आप जब भी निकलेंगे कराची से तो आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए और आपका जो वीज़ा लगा उसकी कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीज़ें अब मांगना शुरू हो गए। पहले नहीं था, हम भी अब आए तो हमसे भी मांगा तो फिर हमने बोला हमारे पास नहीं है, तो हब से हमने फिर फ़ोटो कॉपी करवाया बस रुकवा कर, तो ये सिलसिला है। तो यहाँ बॉर्डर पर आना से पहले आप ये दो काम कर लें, एक पासपोर्ट की और एक वीज़ा की आप कॉपी करवा के रख लें अपने पास। उसके साथ साथ ज़ाहिर है अब जैसे जैसे महंगाई होती जा रही है, किरायों में भी इजाफा होता जा रहा है, तो अल मुमताज़ के भी किरायों में इजाफा हो गया और ठीक ठाक हो गया, और इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए यहाँ लोग आ रहे हैं क्योंकि ये आसान बॉर्डर पड़ता है और यहाँ इजी है गो थ्रू करना। ताफ्तान एक टिपिकल टास्क कह सकते हैं कि वो था और है, और जब हम गाड़ी लेके जाएंगे अपनी तो हमने ताफ्तान से ही जाना है, तो वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। पीस पंजा का वही टाइमिंग है, सुबह 9 बजे खुलेगा और तकरीबन 1 बजे तक रहता है आम दिनों में, और जब यहाँ रश होते हैं या आयाम को ये होते हैं या आशूरा या इस तरह के सीज़न में जो होता है या आप कह लें कि आयाम में, वो बॉर्डर जो है वो देर तक खुला रहता है एज़ जब तक के यहाँ लोग होते हैं। लास्ट हमने सुनने में आए यहाँ 6 बजे तक भी बॉर्डर खुला रहा है, तो लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए दोनों बॉर्डर की जो फोर्सेज हैं या जो काम है इमिग्रेशन के, वो मेहनत करते रहते हैं और लोगों के हिसाब से यहाँ की टाइमिंग कम ज़्यादा हो जाती है, बट नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 9 से 12 या 1 बजे तक है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राहदारी पर भी आते हैं और बहुत से यानी कि हम जैसे जो है वो पासपोर्ट पे आते हैं यानी कि वीज़ा पे आते हैं, तो हर तरह से बॉर्डर जो है ये डील करता है। और यहाँ पर एक मुनज़्ज़म निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा है। तो यहाँ तरक्की की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रेस्टोरेंट आपने देखा, इसको हम करीब से आपको दिखाते हैं, अभी खुला नहीं है वरना अंदर से भी दिखाते हैं। इसी के सामने ये बहुत सारे आगे ट्रक खड़े हैं, यहाँ पे वो भी एक होटल मज़ीद खुला है। इस तरह इस एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और मतवक्का है
कि और भी बसेस के स्टैंड यहाँ पे या टर्मिनल खुल जाएंगे, तो इस तरह एक बहुत बड़ा टर्मिनल हो जाएगा और इन फ्यूचर ये और ज़्यादा तरक्की कर रहा है डे टू डे। इस बॉर्डर की सबसे आसान और अच्छी बात यह है कि आप अपने घर कराची से जो है अगर अपनी कन्वेंस पे आते हैं तो आप रात के 12 बजे भी चलेंगे या 2-2.5 बजे भी चलेंगे तो सुबह 9 बजे तक यहाँ आराम से पहुँच जाएंगे। अभी फिलवक्त यहाँ पर जो है वो गाड़ियों का क्रॉस नहीं शुरू हुआ, सिर्फ ताफ्तान बॉर्डर ही अलाउ कर रहा है कि आप गाड़ी से जो है वो पाकिस्तान इन हो सकते हैं या पाकिस्तान से आउट हो सकते हैं। जैसे कि हम भी अपनी गाड़ी को लेके जो है वो ताफ्तान से ईरान में लेकर आए और अब जो गाड़ी हम ठीक करवाएंगे उसके बाद हम गाड़ी ताफ्तान से ही लेके जाएंगे। यहाँ कोई चांस नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं ख़राब गाड़ी ही यहाँ से ले जाता और मैं बहुत जल्दी पहुँचता। यही चीज़ हमें जब हम चाबहार से मैं अगर सीधा सीधा बॉर्डर साइड पे ताफ्तान जाऊँ और ताफ्तान से सीधा कराची की तरफ आऊँ तो मुझे तकरीबन ये 2000 किलोमीटर का फासला पड़ेगा, और अगर मैं रिमदान बॉर्डर से मैं कराची आऊँ तो मुझे सिंपल से 800 किलोमीटर का पड़ेगा, तो तकरीबन 1200 किलोमीटर मुझे एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो इस बॉर्डर की ये खासियत है। अब यहाँ इस बॉर्डर पे देखा गया है कि आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के आए हुए लोग मिलेंगे आपको, और यहाँ पे वो ज़ाहिर ईरान ज़्यारतों पे भी जाते हैं, फिर यहाँ से ईरान से जो है वो आप आगे तुर्की जा सकते हैं, अज़रबैजान जा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इराक ज़्यारतों पे जा सकते हैं, और इराक के थ्रू आप सऊदीया, जॉर्डन, लीबिया और बाकी कुवैत और बहरीन और बाकी यूएई और अदर कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। ईरान वो हब है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से लोग निकल कर अक्सर मैंने देखा है मुख्तलिफ ममालिक में भी जाते हैं, इवन आप उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान और इस तरह पे भी यहाँ से लोग जाना शुरू हैं, क्योंकि ये जितना क्वेटा से आप ताफ्तान की तरफ जाते हैं ये समझ लें कराची से उतना पैच है, और ये पैच इतना सेफ़ है और इतना रिलायबल है, रोड अच्छे हैं, सर्विस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बसेस बहुत नई हैं, आपको बहुत कंफर्टेबल पोजीशन यानी कि सफ़र मिलेगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र ये जो है बहुत आसानी से कर सकेंगे। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि तरक्की जितनी स्पीड से हो रही है उसी स्पीड से यहाँ लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, और लोग खासी तादाद में यहाँ अब आना शुरू हो गए हैं, और मैंने जैसा कि बताया पंजाब साइड से लोग ज़्यादा हैं, मैंने सिंध साइड से भी देखा है, और फिर बलूचिस्तान या पेशावर साइड से भी लोग देखे हैं जो इस साइड पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने बॉर्डर की और अपनी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखें और यहाँ अच्छे मामलात करें और अपनी अखलाकियात वो अच्छी तरह से यहाँ शो करें, ताकि हम दूसरे मुल्क वाले भी कह सकें कि वाकई पाकिस्तानी जिंदा दिल कौम है और अखलाक वाली कौम है। तो ये हमारी सबकी जो है वो ज़िम्मेदारी भी है। ये देखें यहाँ पे कई तरह की दुकानें खुल गई हैं, जैसे जनरल स्टोर हो गए, मेडिकल स्टोर हो गए, मोची है, होटल है, आगे होटल है, फिर मस्जिद है। पर इंतजार करना है, तुसी जल्दी चले गए थे। अच्छा हो गया। मैं चला गया सर, मैं पर इंतजार करा, जाना नहीं। व्हाट्सएप नंबर यू दी अल मुमताज वालों का होटल। ये अल मुमताज का बस स्टैंड है, यहाँ पे बसेस स्पेयर में खड़ी होती हैं कि जैसे कि ईरान से पाकिस्तान वापस आने वाले लोगों को या ईरान से आने वाले लोगों को यहाँ से उनके मुकाम तक पहुँचाए, कराची, लाहौर वगैरह। मुमताज वाले यहाँ पे काफ़ी तरक्की कर चुके हैं। तो आपने देखा कि कितना बड़ा इन्होंने बस स्टैंड बना लिया है और रिजर्व में कितनी बसेस खड़ी हैं, ये सारी हमसे पहले आई, इसमें एक हमारी भी है। रोज़ की तकरीबन 3 से 4 बसेस चलती हैं, रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 बसेस चलती हैं। अगर रश ज़्यादा हो तो बसेस जो है वो फिर अनकाउंटेबल चलना शुरू हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा ज़्यादा ज़ायरीन को यहाँ पे पहुँचाया जा सके, ताकि वो अपनी ज़्यारत
के लिए जो है वो आसानी से ईरान की ज़ियारत पर जा सके। ये छोटा सा एरिया जिसमें जब हम आए तो बिल्कुल सन्नाटा था, और अब यहाँ ऐसे है कि यहाँ एक शहर पूरा बसता है, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और आज भी काफ़ी रश होने वाला है बॉर्डर पे, और हम आम जबान में कहते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा यानी अखबारी होने वाली है। तो चलते हैं नाश्ते की तरफ, नाश्ता करते हैं और फिर आपको आगे मज़ीद और डिटेल यहाँ की देते हैं। तो नाश्ता तो हमने कर लिया, हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम भूल गए रात का खाना खाया हुआ था हमने, तो बस मैं लाया हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद जब एंड होने लगा तो फिर याद आया कि खाना दिखा दे। वैसे चने अच्छे बने हुए थे और अंडा था वो ठंडा हो गया था, बहुत पराठे भी गर्म थे मगर ऑयल ज़्यादा था, बट ये कि पेट भर के खाए, हम पाकिस्तानी ये छोड़ते नहीं हैं, पैसे लगे हुए होते हैं ना इसलिए खा लेते हैं, तो अच्छा था। और अभी बस हम अपने बंदे का इंतज़ार कर रहे हैं, वो फोन उसका बंद है, सुनने में आए कि इधर ही ऊपर सो रहे हैं, उसको जाके उठाते हैं फिर आगे कार्रवाई करते हैं। स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम, अभी ज़ाहिर गेट चिमनी में फंसा हुआ है, जा नहीं पा रहा, कुछ वजूहत हैं। और बहरहाल अभी यहाँ बॉर्डर साइड पे बात की है और यहाँ से गेट जाने की उम्मीद है, तो हम अभी चिमनी जा रहे हैं और चिमनी से गेट उठाएंगे और वापस उसको लेकर आएंगे और फिर अपने साथ यहाँ से बॉर्डर साइड पे लेके जाएंगे। तो बहुत सारे आपको शक व शुबहात और बहुत सारी वो चीज़ों का पता नहीं होता या वो बन जाती है माइंड में, तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाते, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाती हैं। तो अभी हम चिमनी की तरफ चलते हैं और आपको चिमनी भी शूट कर सके तो बताएंगे, क्योंकि वो कैसा इलाका है, क्या है, करने देते हैं नहीं करने देते, वो वहाँ जाके देखेंगे। तो स्टे ट्यून, अभी हमारे साथ चिमनी चले, रिमदान बॉर्डर से हम चिमनी जा रहे हैं। कौन सा इलाका है? मजीद बाजार। मजीद बाजार, ये मजीद बाजार का है इलाका, और यहाँ पे पोस्ट गार्ड वाले, पोस्ट रेंजर्स वाले, हर किसी की यहाँ तकरीबन चौकी है। और यहाँ कोई बाजार बाजार लगता है? कौन सा ईरानी चीज़ों का लगता है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी पाकिस्तानी चीज़ों का यहाँ बाजार लगता है। यही चीज़ें यहाँ से ईरान भी जाती हैं? नहीं, कुंटानी से जाता है, यहाँ से सामान खरीदा जाता है फिर वहाँ जाता है, वहाँ से खरीदा तो नहीं जाता लेकिन हाँ। बंदरी ये जगह का नाम है और यहाँ से रोड जाता है, बंदरी का मतलब ये पीछे समंदर है, तो समंदर को बंदरगाह भी कहते हैं और बंदरी भी कहते हैं और दरिया भी कहते हैं फारसी में। समंदर साइड पे बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड पे समंदर है, राइट साइड पर
क्या मजे का व्यू है यार। या तो लोगों के मजे जब जा समंदर में गया। कराची में हमारे घर के पास भी समंदर है, हम जाते ही नहीं है, पास से होके आ जाते हैं। बचपन से देख रहे हैं यार। अब तुम भी यहाँ रहता होता बचपन से तुम हर रोज जाता। फिर कोई मेहमान आएगा तो लेके जाएगा ना, हमारा भी यही हिसाब है। कोई आता है कराची घूमने तो हम उसको ले जाते हैं खुद। बहुत सालों में कभी हुआ तो चले गए, सामने से जरूर गुजरते हैं जैसे अभी गुजर रहे हैं। ये समंदर है सारा पीछे। बलूचिस्तान में आपको ऐसी बगैर नंबर प्लेट की कई गाड़ियां नजर आएंगी। 99% आपको ऐसी गाड़ियां नजर आएंगी। और जिवनी बहुत करीब है, अभी हम पहुंच गए जिवनी। ये पूरी साहली पट्टी है, आपने सी व्यू दो दरिया तो देखा है आपने, या अलाहाबाद है था। और यहाँ पे भी देखें, ये भी इलाकों के नाम है जो मुकामी नामों पर रखे हुए हैं। और यहाँ पिकनिक के लिए आप लोग आ सकते हैं, बट बात वही है कि तकरीबन 700 किलोमीटर दूर आप पिकनिक पर आएँ और फिर एक दिन रहें और फिर वापस जाएं तो लोग आपको ख्वार कहेंगे। मगर शौक़ का कोई मोल नहीं होता, और आप जैसा चाहें अपने शौक की तस्कीन के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी गाड़ी लेके गए पाकिस्तान से, अभी भी जो लोग सुन रहे हैं कहते हैं, बोलते पागल हो, चरिया हो, दिमाग घुमा हुआ तुम्हारा, तो इस तरह की कमेंट मिलते रहते हैं। तो आपका शौक है आप करें, दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले आप करें, ताकि आपको उसमें एडवेंचर नज़र आता है, उसमें नसीहत नज़र आती है, लर्निंग नज़र आती है, फ़न नज़र आता है। वो आपके अपने ऊपर है, आपके अपने व्यू पर है कि आप क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। ये यहाँ से जी जिवनी शुरू है और हम आ गए हैं जिवनी के अंदर, दाखिल हो गए। ये छोटा सा कस्बा नुमा आप कह लें, गधे भाई भी आराम से चल रहे हैं। भाई कहूँगा ना भाई, गधा भाई, क्योंकि हमारे में भी बहुत सारे गधे होते हैं। हम अपनी रोजाना की लैंग्वेज में कहते हैं ओए गधे, तो इसलिए गधे भाई इज्जत देनी पड़ती है, क्योंकि बड़ों बड़ों को हम गधे कह देते हैं, छोटों को कह देते हैं। कोई बात नहीं, गियर बक्सा रखेंगे आवाज बंद हो जाएगा उसका। भारी बहुत है जिंदगी, जिंदगी है चाहे कहीं पे भी हो। चांद पे भी इंसान रहेगा तो वो इसी तरह ही तकरीबन रह रहा होगा, क्योंकि इंसान को जो सिखाया गया है, जो सीखता है बचपन में, वही वो करता है जवानी में भी, बुढ़ापे में भी, और वही आगे भी अपनी नस्ल को सिखाता है। तो जिंदगी रवा दवा है इतनी दूर कस्बे में, मगर यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ लाइट है और लाइट प्रॉपर आती है। कराची की तरह यहाँ नहीं है, बट फॉल्ट आ जाए कभी तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज यहाँ बहुत अच्छा है। आपके किसी इलाके की तरह हुए कराची के, बट आप देखें कि यहाँ के लोग पुरसकून हैं। और सुबह की तकरीबन 9:15-9:30 के करीब का टाइम है, लोग अपने कारोबार, अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। ये जो आम सामने गधा गाड़ी जा रही है, इसमें पेट्रोल डीजल ऑयल भी हो सकता है और पानी भी हो सकता है। पेट्रोल तो यहाँ पेट्रोल कैसे लीटर मिलता है? पेट्रोल नहीं, डीजल है, पेट्रोल है। लीटर अभी बढ़ गया है क्योंकि हड़ताल है ना कुंटानी, तो कितना फिर भी? 230 रुपए पेट्रोल जी, एक लीटर। एक लीटर और डीजल? डीजल का यही रेट है तो मेरे ख्याल से डीजल का 190 है। डीजल सस्ता है इधर? हाँ थोड़ा सा। चलो अच्छा, हमारी गाड़ी डीजल है तो यहाँ भी पेट्रोल है सस्ता, मगर इतना सस्ता भी नहीं है कि आप बोलें कि पानी से ज़्यादा सस्ता है।
बट अभी भी महंगा है पेट्रोल इधर, और बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी सहूलतें होती हैं, और कहीं थोड़ी बहुत होती है तकलीफ भी, बट वो तकलीफ हमें लग रही होती है, किसी के लिए वो राहत भी हो सकती है और किसी के लिए वो आसाइश भी हो सकती है जो हमें तकलीफ लगती है। सही है, बस पानी की जरूरत है। ये मेन बाजार है जिमनी का, और हम अभी पहुंच गए कमर्शियल एरिया में, और यहाँ पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, और हम भी अपने अड्डे पे जा रहे हैं ताकि हम अपना सामान कलेक्ट कर लें। कैसी अजीब बात भी है और कि मैंने ही बुक करवाया और मैं ही रिसीव भी कर रहा हूँ। इस बात को एक हफ्ता हो चला है, तो अब खुद ही हम आगे बढ़े, स्टेप उठाए, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं लोगों पे छोड़ने से आपके काम रुक जाते हैं, जो आप खुद कर सकते हैं अपने हाथ पांव से, जबान से, दिलो दिमाग से, वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद जानते हो अपने आप को भी, अपनी ज़रूरत को भी, और अपनी जो मुश्किलात हैं उसको कैसे निकलना है। तो हम पहुंच गए तकरीबन, ये आपको अल मुमताज का अड्डा नज़र आ गया, ये ग्रीन बस खड़ी है, ग्रीन बस वो वाली बस अल मुमताज की। ये आ गया है और हम यहाँ पता करते हैं और उठाते हैं गियर। जी हम आ गए अल मुमताज पे, यहाँ से हम अपना सामान कलेक्ट करेंगे, फिर हम वापस की तरफ रवाना दवा होंगे। तो फाइनली हमने अपना गियर ले लिया है, गाड़ी में रख लिया है, और यहाँ से दोबारा हम रिमदान बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। कोशिश है हमारी कि अभी तकरीबन 9:50 हो रहे हैं और हम तकरीबन 10:30 बजे तक पहुँच जाएँ। कोशिश होगी गियर भी आज ही हमारे साथ या हमारे आगे पीछे जैसे भी है वो निकले, ताकि हमारी मंजिल आसान हो, हमारा काम आसान हो, और जो जिवनी बंद था चंद वजूहात की वजह से एक हफ्ते से 10 दिन से, और रिस्क नहीं लेना चाह, ये एक लाइन बनी और इस लाइन को हमने अवेल किया, और शुक्रगुजार है रियासत के जो हमें यहाँ लेकर आया, और नूरल भाई के जो अल मुमताज के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि नुमाइंदे हैं रिमदान बॉर्डर पर, और यहाँ पे लोगों को डिफरेंट सर्विसेज भी देते हैं, और कई बार हमने कहा है कि आप बॉर्डर एरिया पे गाड़ी का इस्तेमाल करें ताकि आपको बॉर्डर क्रॉसिंग में आसानी हो। लोग पैदल चल पड़ते हैं 2 पैसे बचाने के लिए, 100 रुपये या 200 रुपये, और टाइम ज़्यादा ज़ाया कर बैठते हैं। बेहतर ये कि आप गाड़ी में लें, उससे ये होता है कि गाड़ी लाइन को क्रॉस करती हुई आगे चली जाती है और आपका काम जल्दी हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ख्याल रखनी पड़ती हैं बॉर्डर एरिया पे। जिवनी मुझे पसंद आया, यहाँ के लोगों का ज़रिया माश ज़्यादातर जो है वो मछली पकड़ना है, माहीगिरी से ताल्लुक़ है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर क्या तकरीबन 90% प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान से यानी कि कराची से ही आती है, और कुछ ईरानी सामान भी है जो यहाँ से आता है बॉर्डर के थ्रू, तो ये मिक्स है। और यहाँ के लोगों के ज़्यादातर मजदूरी है, माहीगिरी है, और दूसरे प्रोफेशन जो नॉर्मल हर इलाके में होते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बरिंग है, मिस्त्री का काम है, या दर्जी का काम है, या मोची का काम है, इस तरह मुख्तलिफ होटल और ये सब चीज़ें तो हर इलाके में होती हैं। तो अच्छा लगा, छोटा सा शहर है बट बहुत अच्छा है। काश मैं यहाँ ज़्यादा रुक पाता और मैं यहाँ पर रात गुजारता, और यहाँ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ रहता, बट अभी सीन ये है कि मुझे दोबारा रिमदान बॉर्डर पर पहुँचना है, बॉर्डर भी क्रॉस करना है, और अपना गियर भी का भी बंदोबस्त करना है। तो इस वजह से हम अब फोकस अपना काम पे करेंगे, और ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा कभी आएंगे अपनी कन्वेंस पे, तो इस जिवनी को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर रात गुजारेंगे, और समंदर के किनारे बॉनफायर करके बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अभी आगे आप सबको रिमदान बॉर्डर पर। ये देखें, ये पाकिस्तान है और बलूचिस्तान है।
कितने अच्छे समंदर है, बीचेस हैं ये आपके सामने ही है। और मेरा तो दिल चाह रहा है यहीं गाड़ी रोके, बॉर्डर क्या क्रॉस करने, पहले इधर जो है वो थोड़ा सा इंजॉय करें और फिर हम आगे निकलें। बट मजबूरी पकड़ लेती है आपको, और कुछ नहीं होता। एक दिन का काम जो है वो 3 दिन पे चला जाता है। फिर बहरहाल ये वो चीज़ें जो हमने आइंदा आके एक्सप्लोर करनी है। फिर जब हम नहीं कर पाते तो फिर हम अपनी बुक में लिख लेते हैं कि इसको हम जब वापस आएंगे तो फिर हम करेंगे, या फिर कभी जब इस साइड पर आना होगा। लेकिन क्या बीच है यार, ऐसे रफ टफ बीच ज़्यादा मज़े के होते हैं। चेक पोस्ट गुजरने के बाद पूछा, आपने बताया शर्क टिकट दिखाया, अब हम रेमदान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 30 किलोमीटर पर है, तो अगले 25 से 30 मिनट के अंदर हम बॉर्डर पर होंगे। और 15 मिनट कह रहा है रियासत, तो देखते हैं। जनाब ये रिमदान बॉर्डर पे हम आ गए हैं, और आप देख सकते हैं बड़े बड़े गैस के एलपीजी के जो है ये खड़े 18 व्हीलर। और यहाँ से गैस मुंतकिल होती है, इनमें ईरान से आती है, और दूसरी गुड्स के भी जो है ट्रालर खड़े, यहाँ से गुड्स भी जो है वो भी सप्लाई होना शुरू हो गई हैं। और यहाँ से साजो सामान जाता है, इसी वजह से हम भी अपना गियर जो है वो जिवनी से उठाकर यहाँ पे लेकर आए, ताकि हम भी अपने गियर को अपने साथ लेके जा सके, या हमारे आगे पीछे गियर जो है वो आ जाए हमारे बाद, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। नए नए रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, साथ में रिहायशी प्लॉट यानी कि आप कह लें वो भी बन रहे हैं, और उसके साथ साथ और बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे ऑन हुए हुए हैं। अभी तकरीबन बॉर्डर खाली हो गया है, यहाँ पे जो जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं, और जो राहदारी वाले हैं वो अभी यहाँ पे हैं, और लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो मिलते हैं बाहर आप। इस वक्त मैं रिमदान बॉर्डर के ईरानी साइड पर मौजूद हूँ, और यहाँ पे काफ़ी रश है, और थोड़ी बहुत ये तब्दीली करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को एंट्री देते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा ले लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको स्टैम्प करके देते रहते हैं, और इस वजह से रश है भी और नहीं भी। कुछ किसी का इंतज़ार कर रहा है और कुछ अपने काफ़िले का इंतज़ार कर रहा है। इस जगह पे यही चीज़ चल रही है, और बहुत अच्छा निज़ाम है इधर। आपको ये वॉशरूम में अलग अलग लेडीज़ और जेंट्स के पानी का बहुत अच्छा निज़ाम है। लोगों के लिए आपके ये सामने ये शेड इन्होंने बनाए हुए हैं, और मुख्तलिफ बूथ्स हैं सर्विसेज के लिए। और ये इन फ्यूचर यहाँ से गाड़ियों का भी होगा, तो ये उसके लिए इन्होंने बनाया हुआ है, तैयारियाँ पूरी चल रही हैं। और ये आपकी एग्जिट भी है यहाँ से पाकिस्तान साइड जाने के लिए, और पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए भी ये साइड चल रही है। लोग बैठे हैं पासपोर्ट के इंतज़ार में, कोई किसी के इंतज़ार में, और ये बॉर्डर एरिया। आप गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, सब चल रहा है, क्योंकि यहाँ धूप से बच रहे हैं, धूप ज़्यादा तेज़ है, तो इसलिए बस ये सामने गेट है, यहाँ से निकलेंगे। आगे मज़ीद जो है वो सफ़र है बॉर्डर एरिया के अंदर ही, हम बाहर नहीं हैं। यहाँ से गाड़ी मिलती है, मगर हमने यहाँ बुक कराई है, तो हमें गाड़ी यहाँ से मिल जाएगी। बाकी आपको गाड़ी में डिटेल देता हूँ। ये है गाड़ी हमारी, यहाँ छुट्टी है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही, तो आगे भी चार बैठे हैं और पीछे भी हम चार बैठे हैं, वो सोच रहे हैं गाड़ी में क्या हो रहा है। और बस शुक्र है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।